दर्शकों बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दो मशहूर और मारूफ शख्सियतों से। जी हम बात कर रहे हैं वीआईपी और तारिक खड़ी से। आपका स्वागत है। आज हम सब उल्लू हैं जी, फिल्म के मौके पर है जी। किस तरीके का ये हम सब उल्लू फिल्म की प्रमोशन के लिए दिल्ली आए हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं दर्शकों को 11 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज है हम सब उल्लू है, जिसमें सब कॉमेडियंस है, फुल धमाल फिल्म है, पूरी एंटरटेनिंग है, पूरी परिवार के साथ देखी जा सकती है। तो प्लीज़ हर कोई जाए और देखिए, क्योंकि इसमें समाज से जुड़ी बहुत सारी मैसेज भी है जो हम कॉमेडी के लेवल पे कॉमेडी के माध्यम से वो मैसेज देना चाहते हैं, ताकि हर एक बंदा इसको रिलेट हो जाए और ये फिल्म देख के वो यही कहेगा कि हाँ वाकई में हम सब उल्लू। आप किस तरह का करेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल, मैं इसमें साउथ इंडियन करेक्टर बना हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर बना हूँ। चिन्नप्पा वेंकट मधुरे स्वामी पैसा जेब में कुछ भी नहीं, यानी कि पूरे प्रोड्यूसर बना हूँ। और मैंने सपने में मैंने बहुत सारी फिल्में बना ली हैं और इसमें मेरे दोस्त जो राजू निगम है वो मेरे मैनेजर बने हैं, मैनेजर प्लस ड्राइवर प्लस नौकर प्लस सारे प्लस प्लस एडवाइज़र प्लस खाली एडवाइज़र प्लस खाली मनी में माइनस हूँ पैसे नहीं दिए मैंने, पगार नहीं दिए कई लोगों को, कई सालों से पगार नहीं दिए, फिर भी काम कर रहे हो। तो ये केमिस्ट्री जो आप देखी है कि मैं हूँ साउथ का और वो यूपी से, ये दो चीज़ें जब लोग देखेंगे हंसेंगे, उनको मज़ा अलग मिलेगा। आइए आप मज़ा करिए हम सब अल्लू है जैसे कि हम देख रहे हैं पीछे पोस्टर पर भी कॉमेडी फिल्म है, लेकिन कॉमेडी के एक जो ग्रेड चल रहा है उसमें आपकी मूवी कितनी अलग है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी मूवी इसलिए अलग है क्योंकि हमने सिर्फ कॉमेडी पे ध्यान नहीं दिया, हमने कॉमेडी के साथ साथ जो हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स है उन पे ध्यान दिया है। हर कॉमेडी के पंच के साथ आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो ये मैं मानता हूँ कि आजकल जो कॉमेडी बनती है सबसे पहले उसमें बहुत बोल्डनेस होती है, वो आप पूरे परिवार के साथ देखने से पहले 10 बार सोचते हैं, ये एक अलग बात है। सेकंड, वो सिर्फ कॉमेडी होती है, मैं किसी पिक्चर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ कॉमेडी होती है, नॉनसेंस कॉमेडी होती है, आप ये सर पक जाता है कि एक्चुअली था क्या। तो हमारी पिक्चर इसलिए अलग है क्योंकि एक तो ये हमें यू सर्टिफिकेट मिला है, हम पूरे परिवार के साथ ये मूवी आप देख सकते हैं, वो इन्जॉय कर सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, यूनिवर्सल व्यूइंग है। और दूसरी बात ये कि हम कॉमेडी के साथ साथ वो दिखाना चाहते हैं कि क्यों हम उल्लू हैं, हम सब उल्लू हैं। तो वो हर चीज़ इसमें डिफरेंट है, आप जब एक मूवी देखेंगे और मूवी देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये जो नाम इतना फ़नी लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं नाम में सच्चाई है, और ये इसमें अलग बात है बाकी फिल्मों से। आपने अब तक जितने भी जो है करेक्टर प्ले किए हैं या मंच पर जो है जितने भी आपने अभिनय किया है उसमें अब तक का सबसे अलग जो है हम सब उल्लू में क्या रहा है? इसमें अलग ये रहा कि इसमें मैंने मिमिक्री नहीं की है, मुझे एक करेक्टर दिया गया साउथ इंडियन करेक्टर, क्योंकि जब तक अब तक लोगों ने जितनी बार मुझे देखा है हमेशा मिमिक्री करते देखा, बेटा तुम जान ये करते देखा, लेकिन इस बार आप देखेंगे ऐसे वीआईपी को ऐसे एक्टर। और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मैं इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा हूँ, और जब सीखने मिलता है तो एक अलग खुशी होती है। इस फिल्म में मैं रोया भी हूँ, मैं हंसा भी हूँ, मैंने बुलाया भी है, तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर थी, मुझे नहीं पता था, ये तारिक साहब ने निकाली अंदर से कि भाई आपके अंदर ये भी है निकालो। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये सब इतने अंदर छिपे हुए थे, किसी ने मुझे परखा, किसी ने मेरे अंदर से निकाला। तो ये चीज़ आप भी देखेंगे जब आप स्क्रीन पर हमारी फिल्म देखेंगे, मुझे देखेंगे, तो एक आपको एक अलग वे भी दिखाई देगा, ना कि ए पर आइए आप। मैं उस चीज़ को देखो मेरे मानने से नहीं होता, मैं सही मानू में गलत मानू, लेकिन हकीकत है, आप जो वो हकीकत है वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन उस बात को तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि अगर इंटीरियर में हम देखें तो हमारे पास जो आर्टिस्ट है उनकी बहुत पकड़ है, जितना भी बजट हमारी फिल्म में है हम रिकवर करेंगे और हमारी फिल्म अच्छा कमाएगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि हमारे पास जो आर्टिस्ट है उनको लोग दिल से प्यार करते हैं, वो मिडिल क्लास लोग जो है वो प्यार करते हैं। तो हमें मुझे नहीं लगता इसमें किसी बड़े स्टार की ज़रूरत थी जो हमने कॉन्सेप्ट लिया, हमारा कॉन्सेप्ट एक आम आदमी के लिए है, आम आदमी के को लेके है,
तो हम चाहते हैं कि उसको अगर आम आदमी मास ही देखे तो ज़्यादा बेटर है, क्लास की जरूरत नहीं हमको। और हमारे पास जो आर्टिस्ट है वो उनको दिन रात उनसे उनके फैन रहते हैं, वो दिन रात उनके शोज़ देखते हैं, जैसे VIP जी है, जमीन पाले, राजीव निगम जी है, उपासना सिंह है, जिनको मिडिल क्लास बहुत पसंद करती है। तो हमारे लिए इनफ है, मुझे लगता है कि कलेक्शन भी अच्छी होगी। और हमको सबसे बड़ी बात, हमारे किसी फिल्म का कंपटीशन नहीं है जी। हम एक डायरेक्टर की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मुझे जो हिडन प्रॉब्लम्स, मुझे जो हिडन चीज़ें इश्यूज लगेंगे सोसाइटी में, वो मुझे दर्शाना है, मुझे उन लोगों को वो चीज़ दिखाना जो वो खुद नहीं देख पा रहे, तभी तो मैं डायरेक्टर हूँ। और एज ए एक्टर इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से रोल मॉडल बन के उस चीज़ को इस तरह से दर्शाते हैं ताकि एक बंदा हंसते हुए उसे रिलेट हो जाए और एडमिट करे और इस चीज़ को माने। तो उस वे में तो मुझे लगता है हमने पूरा 100% दिया है और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये पिक्चर और ज़रूर पसंद आएगी जिस तरह से इन्हें बनाया। VIP जी, आपने जिन जिन कलाकारों के साथ काम किया उनके एक नाम बता दिया, और आपकी केमिस्ट्री कैसे रही? जितने भी कलाकार सभी अच्छे, इसमें सबसे अच्छी केमिस्ट्री, और सबसे खास करके जो राजू निगम के साथ में जो केमिस्ट्री बनी, आप सोचिए ना, एक UP वाला है और एक है साउथ इंडियन, ये अपने आप में कॉमेडी है। ये दोनों जब बात करेंगे तो कैसे करेंगे, है मैं तेरे को पहले बोला, अरे भैया कहा है तो समझ आ जाए, अरे लेकिन मेरा बात सुनने का, अरे ठहरो भैया कहा बात है बताइए, जब बार बार ये बतिया जाए था, तो ये चीज़ देखने में बड़ा मजा आएगा, हम खुद इतने हंसते थे करके। और दूसरी बात, इनकी जो वाइफ है गुड्डी मारुति जी बड़ी, जिन्होंने बहुत दिनों के बाद कमबैक किया हमारी फिल्म में, वो पंजाबन है और ये साउथ इंडियन। ये सोचिए कि इतना डरते हैं बीवी से कि साउथ इंडियन प्रोड्यूसर ने अपने मोबाइल में पंजाबी रिंग क्यों रखा है, और बार बार वो फ़ोन करती है मीटिंग में, मेरा वाइफ को फोन आया। तो बहुत ही मैं आपको भी समझा नहीं पाऊंगा कि बहुत ही फन है इसमें, आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि बहुत अच्छा उमदी एक्टिंग हुई और ये बहुत ही अलग तरह की कॉमेडी देखने को आपको मिली। किस तारीख में रिलीज़ हो रही है ये? 11 तारीख 11 सेप्टेम्बर को रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर। हम लोग ये कर रहे हैं मेट्रो प्रोजेक्ट से, और इंटीरियर में हम थोड़ा और लेट जाएंगे, फिलहाल हम 11 तारीख को उसको रिलीज़ कर रहे हैं। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, सब लोगों ने मेहनत की, आर्टिस्टों ने मेहनत की है, सब लोगों का सहयोग इसमें रहा है, जबकि इनके पास शेड्यूल बहुत टाइट था, ये लोग टाइम नहीं दे पा रहे थे, रात रात भर हमने शूट किए, हमने बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत कुछ खास मकसद से बनाई है। तो प्लीज़ आप जाके ये देख लीजिए और आप नाउमीद नहीं होंगी, इसकी हम 100% गारंटी देते हैं, और ये फिल्म आपको बाकायदा एंटरटेन करेगी और आपको सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। तो आप 11 सितंबर को देखिए, आपके नज़दीकी सिनेमाघर में ये फिल्म मिलेगी। हम सब उल्लू है, हाँ बोले भैया देखिए, हमारा पूरा बिहार में भी लगेगा ये, हम सब उल्लू है, देखो भर भर के मिलेगा, देखो देखो टेंशन नहीं लीजिएगा, सब आ रहा है 11 सितंबर को, देखिएगा हम सब उल्लू है। बुढ़वा कहाँ देख रहा है, पिक्चर देख, हमको नहीं देखना, हट। तो देखिए 11 सितंबर को जरूर देखिए, हम सब उल्लू हैं। BCR न्यूज़ के लिए आफाक खान समीर, अजय शास्त्री के साथ, दिल्ली।